इनको बहुत कुछ छिपाना है दोनों विधायकों को, इसलिए उनकी पार्टियां जो है और सत्तारूढ़ गठबंधन है वो डिफेंड करने के लिए सामने आ गया। ये षड्यंत्र का हिस्सा है और हम इस प्रकार के षड्यंत्रों से डरने या घबराने वाले नहीं हैं। झारखंड में सियासी हलचल के बीच आज सुबह से 13 ठिकानों पर ईडी और आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई। इस छापेमारी ने नेता विधायक से लेकर तमाम अधिकारियों और व्यवसायियों की चिंता बढ़ा दी है। जहां एक तरफ रांची में विधायक प्रदीप यादव और जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की आवास पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, एक तरफ इस छापेमारी को लेकर हमेशा की तरह कांग्रेस और जेएमएम जांच एजेंसियों का गैर बीजेपी शासित राज्यों को अपदस्त करने की कोशिश बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आयकर सर्वे को सत्तारूढ़ गठबंधन बेवजह राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी के कार्यकाल में सभी जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। आयकर विभाग इनपुट और आयकर रिटर्न में गड़बड़ी के आधार पर ऐसे सर्वे हमेशा करती रही है, लेकिन जिस तरीके से सत्तारूढ़ गठबंधन के द्वारा इस मुद्दे पर बयानबाजी की जा रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि दोनों विधायकों के पास छुपाने के लिए काफी कुछ है। देखिए, कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह और विधायक प्रदीप यादव के यहाँ जो आईटी का सर्वे चल रहा है उसको बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम किया जा रहा है। हमारा मानना है कि मोदी जी के इंडिया में जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये कांग्रेस के यूपीए का शासनकाल नहीं है जब एजेंसियां केंद्र सरकार के निर्देश पर कार्य करती थी। और इनकम टैक्स विभाग जिस तरीके से उसे अगर इनकम टैक्स के रिटर्न में कुछ गड़बड़ी लगती है या उसे कुछ इनपुट मिलता है तो वो इस तरह के सर्वेस करती रही है और हमेशा ऐसा होता रहा है, लेकिन इसे राजनीतिक रंग देकर इस तरीके से लग रहा है कि जैसे इनको बहुत कुछ छिपाना है दोनों विधायकों को, इसलिए उनकी पार्टियां जो हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन है वो डिफेंड करने के लिए सामने आ गया। हमारा मानना है कि अगर इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करें, ये पाक साफ निकलेंगे, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे लग रहा है कि काफी कुछ छिपाने को है इन दोनों के पास, इसलिए इन दोनों के दल जो है वो सामने आकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि उसी कड़ी की एक अगली कड़ी जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं उसमें किस प्रकार से सरकारों को अस्थिर किया जाए। कानून अपना काम करे, विभाग अपनी जांच करे, इसमें कहीं किसी को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है वो ये बतलाता है कि ये षड्यंत्र का हिस्सा है और हम इस प्रकार के षड्यंत्रों से डरने या घबराने वाले नहीं हैं। बहुमत की सरकार है, हमने पहले भी इनके षड्यंत्रों का डट करके मुकाबला किया है, आगे भी हम इनको माकूल जवाब देने के लिए सक्षम हैं। जो क्रोनोलॉजी है, जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, इस प्रकार की कार्रवाई करने का, अगर ऐसी कोई बात थी तो इनको कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी। ये लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक जो पटकथा इन लोगों ने लिख रखी है गैर भाजपा शासित प्रदेशों के सरकारों को अपदस्थ करने का, उसी का एक हिस्सा माना जा सकता है और कुछ भी नहीं है। इनको ये समझना चाहिए कि वो बहुत मशहूर शेर है ना कि जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कभी अपने चेहरे को भी एक नज़र डाल करके इनको देखना चाहिए और याद करना चाहिए वैसे घटनाओं को जब नोटबंदी के ज़माने में हजारों करोड़ रुपये एक एक दिन में भाजपा के लोगों के द्वारा जमा किया गया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? आप देखें कि इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जिस प्रकार से चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सिर्फ प्रतिपक्ष के नेताओं के यहाँ के हो, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग क्या पाक साफ और धुले हुए हैं क्या? ये सीधा सीधा एक परसेप्शन की लड़ाई है और ये परसेप्शन प्रतिपक्ष के खिलाफ बनाने का एक माहौल है। जब चुनावी राजनीति में ये लोग सक नहीं रहे हैं तो इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।